आज हम बनाने वाले हैं बिना ओवन के केक। आप ये सोच रहे होंगे बिना ओवन के केक कैसे बनेगा, तो दोस्तों हम इसी स्टीम में बिना ओवन का केक बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और भी विदाउट अंडे से, बिल्कुल एगलेस होगा। एगलेस यानी कि उसमें एग नहीं डालेंगे, ठीक है, तब भी केक हमारा बढ़िया स्पंची बनेगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप घर पर इजी तरीके से आप बना सकते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसे जार ले लेना है, उसी में ये सारे बिस्किट जो है इसी में ऐसे तोड़कर डाल देना है आपको। ये देखिए दोस्तों, इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से पीस कर निकाल लिया है, आप इसी तरह से इसको पीस लें बिल्कुल बारीक। दोस्तों सबसे मेन तरीका जो हमें अब जानना है वो है हमें कि इस पर जो है हमें ये हल्का सा गुनगुना दूध ऐड करना है, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है हमें। इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ज़रूरी होता है इसको ध्यान देना, अगर आप स्किप करेंगे तो आप केक घर पर बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ आप मिस कर जाएंगे वो आपको पता नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी अच्छा बनेगा ना। तो दोस्तों देखिए इसको अच्छे से हम ऐसे फेंट लेंगे, ठीक है, कम से कम 1 मिनट तक। तो दोस्तों इसको हम पहले जो है 5 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर कर छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा जो है, चेक करते हैं इसका थिकनेस कितना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा और पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमने लगभग जो है चाय से आधा कप जो दूध होता है वो ही डाला है, चाय वाले से नाप कर, तो आपको इतना ही डाल लेना है। तो इसका जो मेन प्रोसेस शुरू होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये देसी ओवन का जुगाड़ करना होगा। जो हमें ये देसी ओवन बनाना है तो इसके लिए हमें जो है, आपको ऐसे कोई बर्तन कढ़ाई जो हो आपके पास वो आप ले सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आप कुकर में भी डाल सकते हैं ऐसे नीचे, आप पहले इसमें जो है व्हाइट नमक आता है सस्ता सा, कोई भी डाल दीजिए। डालने के बाद इसको जो है अच्छे से डालने के बाद इसको जला देना है, आपको गैस को ऑन कर देना है। गैस को हम ऑन करने के बाद में इस पे इसको हमें अच्छे से पहले गरम करना होगा। तो दोस्तों गैस हमारी जल चुकी है, तो इसको हम पहले अच्छे से हीट करते हैं फिर बताते हैं आगे का क्या करना है। तो दोस्तों देखिए 8 से 10 मिनट में मैंने नमक को अच्छे से हीट कर लिया है, काफ़ी हीट हो गया है ये। तो इस पे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कटोरी ऐसे रख देना है, कटोरी हो या स्टैंड आपके पास अच्छा हो इस हिसाब से रखना है कि कोई भी चीज़ हमें इसमें अगर रखनी है तो ऊपर से वो टच ना हो। ऐसे बर्तन आपको नाप लेना है, यानी कि ये हमारा बर्तन बड़ा है या छोटा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी नाप लिया इसका, तो बर्तन बड़ा है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। तो इस पे सीधे सीधे हम स्टैंड को ऐसे रख देंगे, स्टैंड के ऊपर ये हमें कटोरी रख देनी है। तो कटोरी ऐसे नहीं रखनी है इसमें, और तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इस पे ऑयल लगा देना है, आपके पास जो भी ऑयल हो, राई का ऑयल या बटर या फिर रिफाइंड ऑयल कुछ भी आप लगा सकते। तो दोस्तों देख सकते हैं कटोरी को मैंने रख दिया है इस तरह से, और ये हमारा जो बैटर तैयार किया हुआ है ओरियो बिस्किट का, तो इसमें ये हम आधे चम्मच से कम डालेंगे इस पर बेकिंग सोडा, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले हमें, ठीक है, तभी इसका ज़बरदस्त स्पंज आएगा। इसके कई तरीके हैं बनाने के, ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारा, तो आपको ये तरीके में कोई फॉल्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, और इसी बर्तन में इसको ऐसे ऐड कर देना है हमें इस तरह से, पूरा हम इसी पे ऐसे गिरा लेते हैं इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है, जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे वो हमें अच्छे से कट कर लेना है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है इसी पे। आप चाहें तो चेरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमें बढ़िया स्लो फ्लेम में कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने देना है, उसके बाद इसको खोलना है, ठीक है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं दोस्त। तो दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद इसको हम निकालते हैं बाहर, देखते हैं कैसा पका है। तो ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त स्पंच आया है, इतना स्पंच आया है इस पर कि सिर्फ बबल बबल ही शो कर रहे हैं। तो इसको हम ठंडा करेंगे पहले, ठंडा करने के बाद फिर आपको निकाल कर कट कर कर दिखाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं केक हमारा रेडी हो गया, दिखाते हैं आपको कितना स्पंची है। ये देखिए दोस्तों
क्या बेहतरीन स्पंज आया है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसी तरीके से तरीके को आप अपनाइए, बहुत ही बेहतरीन और शुद्ध सॉफ्ट केक आप घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि मेरी रेसिपी कितनी बेहतर है और किसमें कितना अच्छा आपको सीखने को मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।